को नहीं पता है कि वो मोहल्ले के हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि जैसे नाम वो लोग एड्रेस कुछ गलत बता रहे हैं और पूछ रहे हैं, पूछने पे बता रहे हैं कि जैसे कि आधार कार्ड जब चेक किया तो पता चला उसमें नाम दूसरा है, वो अपने जिले का नाम भी नहीं बता पा रहे हैं। और 15 साल के कोई बच्चे लग भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे सारे मदरसे जा रहे हैं, तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपको क्यों ले जाया जा रहा है। बच्चों को कुछ नहीं पता है कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, किस लिए ले जाया जा रहा है। क्योंकि बच्चों का कहना है सर कि क्या बोलते हैं, हाफिज जी ने बोला था मुझे तो मैं उसके मम्मी ने भेज दिया उनके साथ। फिर मैंने पूछा मम्मी के साथ कैसे गए, कुछ बच्चों को जो मदरसे के हाफिज जी थे उनको घर से लेके गए थे, कि घर से उठाया फिर वहां से बस पे बैठाया फिर उसके बाद लेके निकल आए। और कुछ बच्चों को तो उनके माँ बाप से जैसे खाली बता दिया गया कि बच्चों को भेज दीजिए, उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया। मैंने पूछा बेटा कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, कुछ नहीं मम्मी ने भेज दिया, हाफिज जी ने बात फोन किया था मम्मी ने भेज दिया। तो ये सिचुएशन है सर, मुझे लगता है कि बच्चों आधार कार्ड भी कुछ लग रहा है फेक है या फिर हाँ सर आधार कार्ड सर, जैसे कि हमने काउंसलिंग के दौरान जो हमें पता चल रहा है बच्चा कुछ और एड्रेस बता रहा है, और जब आधार कार्ड देख रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड में नाम पता एड्रेस कुछ अलग है। तो हमें जहाँ तक लगता है सर बच्चों का मदरसे का नाम भी नहीं पता है, और आधार कार्ड भी हो सकता है फेक हो या फर्जी बनाया गया हो। हाँ कुछ लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान पता यही चल रहा है बच्चे सही से एड्रेस नहीं बता पा रहे सर अपना। अब जो उनको जो लेके आए हैं सर उनसे बात किया तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ हैं बच्चे, लेकिन जब बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा तुम इनको जानते हो, तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मैं नहीं जानता हूँ। और जो उनको लेके आए हैं सर वो बोल रहे हैं कि नहीं ये दोनों भाई भाई हैं, किसी को ये नहीं पता है कि वो मेरे खाले का लड़का है या भाई है या कर्जन है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। लेकिन जो लेके आए हैं वो कह रहे हैं कि इनके कर्जन, हम कैसे भरोसा करें कि ये मतलब इनके कर्जन है, क्योंकि बच्चा जो बोलेगा हम तो वही मानेंगे ना सर। बड़ा स्कैंडल भी होता है। हाँ बड़ा स्कैंडल भी हो सकता है सर ये बात, जैसे कि क्या पता बच्चों को बहला फुसला के यहाँ पे समझाया गया हो, हर बच्चे के दिमाग में एक बातें नहीं घुसी रहती हैं कि हाँ चलो ठीक है। हो सकता है काउंसलिंग में बच्चों को बैठाया गया हो, बस में बोला गया हो कि हाँ तुम लोग ऐसे ऐसे बताना वहाँ पे, अगर कोई कुछ पूछता है तो ऐसे बता देना, लेकिन सब बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता सर। बच्चे कभी कभी होता है उनके दिमाग से निकल जाता है, उनके दिमाग में जो रहता है वो वही बोलते हैं। तो बच्चों ने हो सकता है उनको सिखाया गया और ना उनके समझ में आया हो, अब जो भूल गए हो तो फिर वो अपने सच, बच्चा तो सच ही बोलेगा सर। सुबह जो है करीब 9 बजे जो है माननीय उत्तर प्रदेश बाल सदस्य बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की सूचना की कॉल आई, वही पत्र आया, उनके द्वारा सूचना दी गई कि बिहार से सहारनपुर जो है एक बस में अवैध रूप से बच्चे माइनर बच्चे लेके ले जाए जा रहे हैं, और जो कि अभी गोरखपुर में है, गोरखपुर से अयोध्या होते हुए जाएंगे। इस सूचना पे जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है एक पत्र भी आया, उन्होंने उनका एक पत्र जारी हुआ है, एसएसपी साहब को भी जारी हुआ, जिसकी कॉपी हम लोग को मिली है, डीएम साहब को है और डीपीओ साहब को है, हमको है कॉपी भी है। उस आधार पे जो है बच्चों को जो है एएसटीयू और खुद मेरे द्वारा और डीपीओ साहब के द्वारा और कोतवाली नगर की फोर्स और कोतवाली अयोध्या के पुलिस जो है उनके द्वारा जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बच्चों को रेस्क्यू करा के जो है बच्चों का खाना पीना कराया गया, खाना पीना के पश्चात जो है बच्चों का जो है मेडिकल कराया जा रहा है। चूंकि बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता नहीं है, ना ही जो लोग लेके जा रहे थे उनके पास कोई कंसेंट लेटर है माता पिता का। बच्चे 4 साल से 12 साल तक की उम्र के हैं और बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यह कहना है कि उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे और इस बार भी पढ़ रहे हैं। इनके घर वालों ने बुलाया कि आप आ जाओ, मैं एक आध आदमी यहाँ से चले जाएगा, जैसे ये साथी जा रहे छोड़ने के लिए, और हमारे बच्चे जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आगे भी पढ़ रहे हैं। ये बच्चा तो पूरा अररिया जिला का है, बाकी जो 14 बच्चा जो है ना हमारे मतियारी पंचायत का है, ये 14 बच्चे में एक लड़का हमारा खास है, फिर बाकी जो है वो कोई भतीजा लगेगा, कोई दूरी से लगेगा, कोई अपने लगेगा, लेकिन 3 वार्ड 5 वार्ड के बच्चे है। इस बच्चे का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और बच्चे को छोड़ने लिए हम जा रहा हूँ, छोड़ के उसके बाद आऊंगा वही मदरसा में सहारनपुर। हाँ उसका स्टाफ यह है, बस वही कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, हाँ, और हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ाई होता है। हमें बिठा कर आते हैं, बाकायदा उनके फोन आ रहे हैं और उनका दाखिला हमारा यूडाइस कोड जो है भारत सरकार का, जो तमाम स्कूलों पर जाते हैं इनका नाम वहाँ भी दर्ज है, और एसआर जो रजिस्टर पिछले साल का हमारा वो भी हमारे मौजूद है। ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मदरसा जामिया रफीक या तहफीजुल कुरान। इतने बच्चों को कौन सी तालीम है? कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, और बाकायदा भारत सरकार के टीचर हैं हमारे मदरसे। एक सब्जेक्ट दीन का होता है, सामाजिक होता है, बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस होता है। पोर्टल पे भी हमारा रजिस्टर्ड है और पोर्टल पे सब बच्चों का नाम इंदिराज है।
आप यू डाइस कोड पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनकी इमदाद होती है यानी आपको मदद होती है वो कहाँ से मिलती है आपको? इलाके से होती, गांव से होती है, इलाके से गांव से होती है, बस्ती से होती है। आप बच्चों से पूछिए एक साल में कितने माँ बाप पैसे भेजते हैं खर्च के लिए। अभी देखो बच्चों पर कितने पैसे होंगे, देखो पूछो, आप पूछो अभी खर्च के लिए चेक कर लो कि हर बच्चे 500-400 रुपए होंगे। देखो आप खाने के लिए पीने के लिए, अब जैसे मदरसा चले जाते हैं वो खर्च के लिए भेजते हैं। दीनी तालीम, दिन एक घंटा दीनी तालीम होता है, फिर हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस होता है, भारत सरकार की स्कीम के तहत हम पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की किताबें होती है कक्षा 5 तक, कक्षा 5